हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ आरुषि एंड आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास सेवेंथ का चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स की एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा जा रहा है कि विच इज़ ग्रेटर, मतलब कौन सा बड़ा है। तो फर्स्ट में पूछा जा रहा है 2/7 ऑफ 3/4 और 3/5 और 5/8, मतलब कौन सा बड़ा है। ऑफ का मतलब क्या होता है? ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 2/7 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 3/4, या फिर 3/5 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई ऑफ 5/8। ओके, तो 5 से या 5 कट जाएगा। जैसे आपको पता है कटिंग के बारे में, कटिंग होता क्या है? कटिंग मतलब कि अगर दो नंबर्स एक टेबल पर आते हैं तो वो एक दूसरे के साथ कट हो जाते हैं। जैसे ये ऊपर नीचे वाले कट हो सकते हैं और क्रॉस वाले कट हो सकते हैं, एक तो ऊपर नीचे और क्रॉस वाले, ठीक है। तो अभी हमने क्रॉस वाला, ये 5 और 5 एक ही टेबल पर आते हैं, 5 के टेबल पर, तो हमने से कट कर दिया। 5 के टेबल पर 5 कहाँ पे आता है? 1 पे। 5 के टेबल पर 5 कहाँ आता है? 1 पे, ठीक है। अब इसका क्या आंसर आ गया? 8 1 8 एंड 3 1 3, ठीक है। और अब हम इसका देखते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ 2 और 4 एक ही टेबल पे आते हैं, कौन से एक टेबल पे आते हैं? 2 के टेबल पे दोनों आते हैं। 2 के टेबल पे 4 2 पे आता है और 2 के टेबल पे 2 1 पे आता है, ठीक है। तो ये आ गया 3 1 3, 7 2 14, ठीक है। तो अब आपको देखना है विच इज़ ग्रेटर, कौन बड़ा है, 3/14 और 3/8। ओके, अब हम चेकआउट करना है तो हम क्या करेंगे, अगर हमें ग्रेटर फाइंड आउट करना होता है तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या होता है? 3/14 और 3/8 एक साथ लिख देंगे और ऐसे यहाँ एक बॉक्स बना देंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ से ये वाला क्रॉस मतलब ऐसे और ऐसे करेंगे, ठीक है, मतलब कि पहले ऐसे। तो 14 3 कितना होता है? 14 3 कितना होता है? तो 14 3 42 होता है, ठीक है। तो यहाँ हम ऐसे करेंगे पहले, 14 3 कितना होता है? जैसे मैंने आपको बताया, पहले हम यहाँ से लेके यहाँ जाएंगे, 14 3 42, ठीक है। और अब हम यहाँ से लेके यहाँ जाएंगे, यानी यहाँ से यहाँ, 8 3 24, कौन सा बड़ा है? 42 बड़ा है या 24? 42। तो कौन सा बड़ा है? 3/8, विच इज़ 3/5 ऑफ 5/8। ओके, तो फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन था उसमें 3/5 ऑफ 5/8 इज़ बिगर देन 2/7 ऑफ 3/4। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। Now they are asking that which is bigger between these both, 1/2 of 6/7 or 2/3 of 3/7, ठीक है, 3/7। तो 1/2 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 6/7, तो 2 और 6 एक टेबल पे आते हैं, 2 के टेबल पे, ये 1 पे आता है और ये 3 पे आता है, तो ये आ गया 3/7, या फिर 2/3 ऑफ यानी मल्टीप्लाई 3/7, इसकी कटिंग हो जाएगी। 3 3 एक टेबल पे आते हैं जो कि आते हैं 1 पे, ठीक है, ये दोनों आते हैं 1 के टेबल, मतलब 3 और 3 कौन से टेबल पे आते हैं? एक कौन से टेबल पे आते हैं? कॉमन टेबल कौन से टेबल पे आते हैं? 3 के टेबल पे आते हैं, किस पे? ये 1 पे आता है, ये भी 1 पे आता है, ठीक है। तो 2/7, नाउ विच इज़ बिगर, यू कैन सिंपली से 3/7 और 2/7, 3/7 इज बिगर, सो विच इज बिगर अमॉन्ग दिस, 1/2 ऑफ 6/7 इज बिगर देन दिस, ओके, दिस इज बिगर। सो बाय, टेक केयर।